अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अजीम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो एक ट्रिप हमने ड्रॉप कर लिया उबर का, 50 दिरहम आए हैं। मैं वर्का में लेके आया हूं अभी। खैर मुझे लेटर बुकिंग आ गई है करीम की, ये देख सकते हैं आप। 14 किलोमीटर था, अभी खैर 13 रह गया। 14 किलोमीटर पिकअप के लिए जाना था। तो नॉर्मल ड्राइवर होता है वो घबरा जाता है कि 14 किलोमीटर सिर्फ पिकअप के लिए। तो अपनी रेटिंग अच्छी रखने के लिए फिर ये तो करना पड़ेगा भाई, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन ये है कि इसने जाना है सिलिकॉन ओवेसिस। तो 14 किलोमीटर था पिकअप और 14 किलोमीटर ही आई थिंक इतना होगा, 14-15 ड्रॉप ऑफ का डिस्टेंस होगा। तो खैर जा रहा हूँ मैं उसकी तरफ। आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह अर्निंग बताऊँगा मैं। तो कुछ भाई सवाल पूछते हैं कि आपके जो उबर करीम है ये साथ साथ आपको, आप पैसे इसको कैसे पे करते हो? क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसा ही होगा कि ज़्यादातर कैश का ट्रिप होगा तो आप उसको पैसे, इजी पैसा ऐसा कुछ है तो आप उसको देते हो। लेकिन यहाँ पे 90-95% कार्ड पेमेंट होती है, तो कार्ड जमा होता रहता है। तो एंड ऑफ द वीक हमें उबर और करीम हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट में, ना के कंपनी के अकाउंट में। जो कंपनी की गाड़ी चलाता है वो कंपनी के अकाउंट में जाता है, जिसकी अपनी गाड़ी होती है उसके अपने अकाउंट में आते हैं। तो ये जो कार्ड पेमेंट होती है, कार्ड के पैसे जमा होते रहते हैं। एंड ऑफ द वीक मंडे ट्यूसडे को ये पैसे आ जाते हैं नॉर्मली। संडे को ये एंड होता है वीक इनका उबर करीम का, और मंडे ट्यूसडे को पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अभी ये 20 किलोमीटर था तो 62 दरम आए हैं। ये सिलिकॉन उबर को कर दिया है ऑन। तो अभी निकलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। राउंड लगाता हूँ मैं यहाँ से भी, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये जी माशाल्लाह अच्छा ट्रिप आया अभी। अनिल गुप्ता दुबई सिलिकॉन ओवेसिस से है। तो ये खैर जा रहा है कहाँ पे इसको देखते हैं। ये बतूता मॉल जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ इसका पार्किंग में, तो जैसे ही आएगा तो फिर उधर चलते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके बताता हूँ मैं कि कितने पैसे आए हैं इसके। तो ये काफ़ी दूर है यहाँ से, 20-25 किलोमीटर यहाँ दुबई से इधर, मतलब कि ये दूर है। तो मैंने कहा चलो 15-20 मिनट देख लेते हैं, तो आ गया तो ठीक है, वरना तो फिर खाली ही जाना पड़ेगा। तो अभी तक तो 6 बज चुके हैं, अभी बजने वाले 10 मिनट रह गए हैं, 6 बजने वाले हैं। तो काम अभी, खैर अभी मैं देखता हूँ कि ट्रिप कितने का किया था। इब्ने बतूता मॉल का किया था ट्रिप, अभी मैं देखता हूँ ट्रिप हमने कितना कर लिया, कितना अर्न कर लिया है अभी तक 6 बजे तक। 161 का किया, 178, 32, 170 हमने करीम पे कर लिया, और 116 ऊबर पे, 185 का काम कर लिया अभी तक 6 बजे। तो अभी देखता हूँ थोड़ी देर, अगर ट्रिप लग गया उधर का तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लंबा ट्रिप होगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर वेट करते हैं तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी खैर मैं इधर बैठा हूँ, पार्क है इधर, पार्क एरिया, तो इधर मैं बैठा हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर की भी हवा लेनी चाहिए थोड़ी सी। तो काफ़ी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि क्योंकि काफ़ी भाई मुझसे ये पूछते हैं कि लिमोज़िन का वीज़ा हम कैसे लें। आप गूगल करो, गूगल, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो तो गूगल करो, गूगल पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगी लिमोज़िन की कंपनी। आप वहाँ से उसको मेल कर सकते हैं या आप उनको कॉल कर सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी दे देंगे, अपनी अपनी जो जो कंपनी होगी, अलग अलग कंपनी अपनी अपनी डिटेल्स दे देंगे ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए। वैसे तो अभी नॉर्मली कोई भी कंपनी वीज़ा नहीं दे रही अगर आप गाड़ी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्ट्रिक्ट हुई पड़ी हैं। तो जब तक आप उनमें से वहाँ पर गाड़ी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कंपनी वीज़ा नहीं देंगी। तो क्योंकि पीक चल रहा है लिमोज़िन का ना, तो पीक चल रहा है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक हुई पड़ी हैं, तो वो फिर
वीज़ा नहीं दे रही। तो आप अगर गाड़ी इन्वेस्ट करोगे एज ए कैश, अगर आपने कैश पे ले ली या अपने बैंक से लेनी है, तो वो फिर आपको आसानी से वीज़ा दे देंगे। वैसे अगर दो तीन कंपनी हैं एज ए ड्राइवर हायर करती हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा मुझे डिटेल्स का पता नहीं है। तो मुझे ज़्यादातर यही है कि जो आप गाड़ी इन्वेस्ट करोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हवा तो बड़ी प्यारी लग रही है बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी 15-20 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट देखता हूँ, और अगर ट्रिप लगा ठीक है, वरना इधर से फिर निकलते हैं। बिल्कुल खामोशी सी है, बिल्कुल ट्रिप आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह करीम का। ये यहाँ पे अभी आपको ट्रिप आया है ना, मैं आपको एक चीज़ और बता, अगर आप मैप यूज़ करना चाहते हो कि मैप से आप जाना चाहते हो, आपको रास्ते का नहीं पता, तो आप सिंपली इधर से ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है तो क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको मैप पे लेके जाएगा। लेकिन मैं जो मैप यूज़ करता हूँ वो वेज़ है, वो बेस्ट है, सब कुछ दिखाता है, कैमरा दिखाता है, स्पीड लिमिट दिखाता है, हर चीज़ दिखाता है। लेकिन ये 2 किलोमीटर है यहाँ से, 6 मिनट लगेंगे, तो चलते हैं फिर इसकी तरफ। उसने विला नंबर बताया है 47। इन्होंने जाना है ब्लू वाटर, ब्लू वाटर जहाँ पे वो आयन दुबई है ना, उधर जाना है, ब्लू वाटर मरीना के पास। चलो अच्छा ट्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके लिए रुके थे वो फ़ायदा तो हुआ थोड़ा बहुत, इसीलिए तो मैं इतना वेट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रिप है। और लैमोजीन का, और एक चीज़ के लैमोजीन का काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई आप किधर। सर जी मैं आपसे मिलने आऊँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये भी बताओ कि ऑफ सीज़न कितनी देर चलता है? ऑफ सीज़न का भी बता देते हैं। ऑफ सीज़न यहाँ पे 4 माह होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं यहाँ पे, कि जो ऑफ सीज़न कहलाता है, काम बहुत कम होता है, तो वो होते हैं ऑफ सीज़न। 4 मंथ कौन से होते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 माह होते हैं ऑफ सीज़न के। उसके बाद अक्टूबर में काम स्टार्ट हो जाता है फिर, तो ये 4 माह ऑफ सीज़न के जाते हैं, तो इसमें काम बहुत स्लो होता है। तो ये होते हैं ऑफ सीज़न का टाइम। तो क्योंकि ये भी काफ़ी भाई सवाल पूछते हैं, तो भाई ने भी पूछ लिया, तो मैंने कहा बता देते हैं फिर। तो अभी आप खुश हो? जी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ, मैं वीडियोस देखता रहता हूँ आपको, तो फिर मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। थैंक यू, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि ऑफ सीज़न का, तो भाई ने भी जानना था, उनको भी बता दिया, आपको भी पता चल गया होगा। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी ऑफ सीज़न के बारे में। 93 दरम मिले हैं इसके, 38 किलोमीटर था, तो अच्छा ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ आयन दुबई का, ये देखें ट्रिप मिल गया। डेस्टिनेशन मैंने डाली हुई थी, तो डेस्टिनेशन का ट्रिप मिला है। डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है, तो ये अभी मैं बताता हूँ कि डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है। ये मैं ज़रा ट्रिप ड्रॉप कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने अभी आपको बताना था कि ये डायरेक्शन मैंने डाल दी थी, तो ये डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, अभी भी डाली हुई है, खैर ये देख लें आप। डायरेक्शन का असल में मतलब होता है कि जिस तरफ का आप डायरेक्शन डालते हो, उस तरफ का ही आपको ट्रिप मिलेगा, उसके ऑपोजिट ट्रिप नहीं मिलेगा या कहीं और नहीं मिलेगा। सिर्फ जिस तरफ आपने अपनी डायरेक्शन डाली होगी ऊबर पे, उसी तरफ का आपको ट्रिप मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं और का ट्रिप नहीं मिलेगा। तो ये मैंने डाली हुई है, खैर 12 बजे ये बंद हो जाए, 2 हमें मिलती हैं उबर पे। तो ये है कि ये अगर डायरेक्शन हम लंबी डाल दें
रासल खेमा की या अबू धाबी की, तो वो ट्रिप अच्छा मिल जाता है, लॉन्ग ट्रिप मिल जाता है, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। जब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ट्रिप लग रहे हो ना, तो फिर ये डायरेक्शन डाल देता हूँ ताकि लंबा ट्रिप लगे। बाकी मिलेगा वही जो किस्मत में होता है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं, रिजक तो ऊपर वाला देता है। और काफ़ी भाई यही पूछते हैं कि गाड़ी हम कहाँ से, बैंक से लेंगे या कंपनी से लेंगे, ये कहाँ से गाड़ी लेंगे। तो गाड़ी आप जब कंपनी के पास जाएंगे, लैमोजिन कंपनी के पास, तो वो आपको गाड़ी बैंक की तरफ से रेफरेंस कंपनी का होता है, कंपनी के नाम पे ही गाड़ी होती है, आपके नाम पे नहीं होगी। अगर आप गाड़ी इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपके नाम पे नहीं होगी गाड़ी, कंपनी के नाम पे होगी। तो कंपनी आपको देगी गाड़ी, बस आपने पैसे कंपनी को देने हैं, कंपनी सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, लेकिन नाम कंपनी के ही होगी, कंपनी निकाल के देगी वीज़ा भी और गाड़ी भी। तो आ चुका है जी नेक्स्ट ट्रिप स्टूडियो वन होटल से, तो जा रहा हूँ मैं फिर इसको पिक करने। अब देखते हैं कहाँ पे जाता है ये, मैं इधर हूँ रेवी रंच वाली साइड पे था, तो स्टूडियो वन होटल से आया ट्रिप अभी, तो देखते हैं ये कहाँ पे जाता है फिर जी। ट्रिप किया ये देखें 5 किलोमीटर है। तो मैं जब करीब आया था तो मैंने कर दी थी उबर ऑन, तो अभी उबर का भी ट्रिप आया हुआ है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। ये खैर आप देख रहे होंगे कि ये रेड कैसे आ रहा है मीटर, ये मैंने स्पॉट पे किया हुआ है, मैंने कहा कभी कभी स्पॉट पे चलानी चाहिए गाड़ी। तो अभी खैर मैं जा रहा हूँ उबर की तरफ, उबर का ट्रिप आ गया, तो ये था 30+, देखेंगे आई थिंक सो के एयरपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट है 35-30। अल्हम्दुलिल्लाह जी आ गए हैं एयरपोर्ट पे, ये बिजनेस साइड है, फर्स्ट क्लास साइड, तो इधर ड्रॉप कर दिया, तो अभी करते हैं हैंड और देखते हैं कि कितने पैसे आए हैं इसके। $80 आए हैं जी ये ट्रिप के, 35 किलोमीटर था, तो अच्छा ट्रिप लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रिप आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से ही, मैं बाहर निकल रहा था तो ये देखें Terminal 3 से ही ट्रिप लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा अच्छा हुआ है, चलो कहीं और जाना नहीं पड़ा। तो इसको करता हूँ मैं पिक, देखते हैं कि कहाँ पे जाता है ये। ये अब पिक कर लिया, लेकिन पार्किंग पे करने लगा हूँ मैं, इधर वही बैठा होता है, पार्किंग फ्री है तो यहाँ पे उबर की। हाय ब्रो जी, देखें ये एयरपोर्ट है और जहाँ पे ये ट्रिप लगा ये लिमरेडियन ऑपोजिट साइड पे ट्रिप है यार। चलो खैर वैसे पैदल भी आ जाती है अगर उसको पता होता तो। तो जी ड्रॉप करके उधर एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था मैंने, तो वो ऑपोजिट साइड पे गए थे, तो उसके बाद फिर एक और ट्रिप किया, तो मैं आ गया हूँ घर, अभी टाइम 1 बज चुका है, तो मैं ट्रिप नहीं लगा था, 10-15 मिनट मैंने वेट किया, तो फिर मैंने कहा घर चलते हैं, सुबह फिर इंशाल्लाह फिर काम पे जल्दी निकलेंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितनी अर्निंग की है। करीम के हमने आज 5 ट्रिप किए हैं, 22, 94, 32, 77 और 62। तो ये देखें हमने 5 ट्रिप किए हैं आज करीम के, तो ये टोटल हो गए हैं 285 इतने अराउंड है, 285। तो उबर के मैं दिखाता हूँ, उबर के वो दिखाई देता है आज आपने कितना अर्न किया है। तो उबर के हैं करीम के हैं 285 और उबर के हैं 387। 285 और 385 को हम टोटल करें तो 670 बनता है इतना। तो ये हमने उबर करीम पे किया, ना होटल पे आज ट्रिप लगाया ना कुछ ऐसा, सिर्फ उबर करीम पे हमने आज जो काम किया था उसकी ये अर्निंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो गया, जितना किस्मत में था वो मिल गया, तो ये है आज की हमारी अर्निंग और ये है आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।